सीधे आपको लिए चलते हैं कर्नाटक चुनाव प्रचार के लिए। बीदर में है इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी डाली होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पैसा सब निकल करके वापस आकर के जनता के विकास में लग जाएगा, वे संपत्तियां फिर से जब्त हो जाएंगी, इसलिए उस बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। सुरक्षा और विकास के नाम पर, सुशासन और विकास के नाम पर वोट दिए जाने की आवश्यकता है। एक गरीब का बच्चा भी सिंहासन की कुर्सी पर बैठ सकता है, यह साबित करने का सबसे अच्छा अवसर है। कर्नाटक में जब मैं आता हूं तो सबसे ज्यादा आपत्ति सिद्धरमैया जी को होती है, उनको यह लगता है कि मैं यहां क्यों आता हूं। मैंने कहा भी मैं ये बताने के लिए आता हूं कि उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार को एक साल हुए हैं, मैंने 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। 1 लाख तक का पूरा कर्जा हर किसान का माफ किया है। सिद्धरमैया ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हम लोगों ने समाप्त किया, भ्रष्टाचार से जो पैसा बचा हमने किसानों में बांटने का कार्य किया। यहां जनता के पैसे को जो विकास पर लगना चाहिए था उसमें तो इन्होंने डकैती डाली ही डाली, इन्होंने साथ साथ किसानों को बांटने वाला पैसा भी हजम कर दिया, ये सब पैसा खा गए। हिम्मत नहीं, 5 वर्ष में देश के अंदर सर्वाधिक किसानों ने कर्नाटक के अंदर आत्महत्या की। भाइयों बहनों, अभी आपने देखा होगा 2 मई को रात्रि में उत्तर प्रदेश में भीषण साइक्लोन आया था और 23 तारीख शाम तक उन सभी परिवारों के पास सहायता उत्तर प्रदेश की तरफ सरकार की तरफ से पहुंच गई थी। सिद्धरमैया जी, कार्य ऐसे होता है, हम प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते लेकिन प्राकृतिक आपदा आने के बाद राहत कार्य करके जनता के आंसुओं को पोंछने का कुछ हद तक कार्य कर सकते हैं और हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। हमने किसानों के कर्जों को माफ करके दिखाया है। ये 3.5 लाख आवास नहीं बना पाए, हमारी सरकार ने 1 वर्ष में 9 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवाए हैं और एक एक आवास गरीबों को दिया गया है। प्रत्येक आवास की मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूं कि गरीब को मिला है कि नहीं मिला है। 40 लाख से अधिक गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। 36 लाख से अधिक गरीबों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं, 65 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 65 लाख गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिलाने का कार्य भी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे बिगड़े हुए प्रदेश में अगर यह कार्य संभव है तो फिर कर्नाटक में क्यों नहीं। नियत साफ होनी चाहिए। सिद्धरमैया कुछ नहीं कर सकते, वहां तो केवल उनकी नजर पैसे में होती है, रुपये में होती है, रुपये के सिवाय वो कुछ देख ही नहीं सकते। उनको गरीब नहीं दिखाई देता, उनको कमजोर नहीं दिखाई देता, उनको कोई चीज नजर नहीं आती। जैसे सिद्धरमैया को केवल रुपया नजर आता है, ऐसे राहुल गांधी को केवल इटली याद आती है। आप देख लीजिए, जब भी इस देश के अंदर संकट आता है तो राहुल गांधी इटली भाग जाते हैं और जब भी यहां का किसान आत्महत्या करता है तो सिद्धरमैया केवल पैसे की लूट खसोट करते हैं। भाइयों बहनों, राजनीति में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राजनीति भ्रष्टाचार का जरिया नहीं बनना चाहिए, राजनीति सेवा का जरिया बनना चाहिए। और सही मायने में अगर आप कहें, कांग्रेस के लोग
दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा ने एससी एसटी का हक मारा है। और सही मायने में अगर आप देखें तो इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को सही मायने में सम्मान देने का कार्य किसी ने किया है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देखेंगे जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सांसद नहीं बनने दिया था, कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न नहीं देने दिया था, और कांग्रेस ने जीते जी कांग्रेस, अब तो कांग्रेस खैर मित्र प्राय हो रही है, लेकिन जब तक कांग्रेस के अंदर थोड़ी जान थी उसने प्रयास किया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए जो पांच प्रमुख स्तंभ है वे पंचतीर्थ के रूप में विकसित ना होने पाए। अगर उन पांच स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य किसी ने किया है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। अगर आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2022 तक हर गरीब को मकान देने की बात करते हैं तो गरीब से सर्वाधिक अगर वंचित है तो इस देश का दलित है, इस देश का अनुसूचित जाति जनजाति का नागरिक है। और इसका मतलब प्रधानमंत्री हर अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिक को आवास देना चाहते हैं, उनके घर में व्यक्तिगत शौचालय बनाना चाहते हैं, उनके घर में विद्युत का कनेक्शन देना चाहते हैं, उनके रोजगार स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें रोजगार देना चाहते हैं, उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप के माध्यम से उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं। उन्हें भारत के अंदर और भारत के बाहर भी आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन सुविधा और स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। यह कार्य इससे पहले क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कांग्रेस की रुचि नहीं थी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री डी के सिद्धराम जी को अपना उम्मीदवार इस विधानसभा सीट से बनाया है। आपके बीच में श्रीमान बी एस येदियुरप्पा जी आए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि चुनाव जीतने के बाद जनता के हक पर, जनता की कमाई पर, जनता के अधिकार पर जिन लोगों ने डकैती डाली होगी उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। और आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, कर्नाटक को कांग्रेस का एटीएम मत बनने दीजिए, कर्नाटक को कांग्रेस की नोट खसोट का जरिया मत बनने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 23 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर्नाटक के अंदर हुई है। उन कार्यकर्ता और उनके परिवार वालों को न्याय देने की बजाय सिद्धरमैया की सरकार ने कर्नाटक के अंदर उन जिहादी तत्वों को प्रश्रय दिया है जिन्होंने निर्मम हत्याएं की थी। और इसीलिए एक तरफ कांग्रेस समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों में लिप्त उन जिहादी तत्वों को प्रश्रय देने का कार्य कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और उनके विकास की बात कर रही है। इसलिए विकास, सुशासन और सुरक्षा के इस मुद्दे को आगे बढ़ा करके आप सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री डीके सिद्धराम जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील आप सबसे करते हुए मैं वाणी को देता हूं प्रणाम। जय जय श्री राम। तो सुन रहे थे आप कर्नाटक के बीदर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे निशाने पर कांग्रेस को ले रहे थे, कह रहे थे जो यूपी में संभव है वो कर्नाटक में क्यों नहीं। सिद्धरमैया कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ पैसा उन्हें दिखता है। राहुल गांधी को सिर्फ इटली दिखता है। कर्नाटक को कांग्रेस का एटीएम मत बनने दो। राजनीति में राहुल और सिद्धरमैया की कोई जगह नहीं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।